Shisha Line is a different show. But this show is... the show has its own story, it has its own move, its own feel. And it's a very interesting story. Aap sabko pasand aayegi. And that's the reason. Aap to hazar show bande jaise aapne kaha, bahut shows aate hain, but this will definitely make a difference when you watch it. And I think you should watch it because we've, besides working hard for it, it's a great storyline. It's got all the masala, all the ingredients in it to make it a jam-packed, power-packed show. So you should definitely watch it. I would believe there should be a recap. I will let Shorya, my director, answer that question. कहानी बस एक सस्पेंस है, जैसे मेरे डायरेक्टर शौर्य ने कहा था पहले. सारा मसाला, सारा ड्रामा, क्राइम, फैमिली, इमोशन, एक्शन, सब कुछ मिक्स है. सो इट्स अ फुल क्या बोलते हैं उसको, कमर्शियल प्रोजेक्ट, कमर्शियल वेब सीरीज. एंड हाँ, मज़ा आएगा सबको, ये मुझे पूरा भरोसा है. तो मेरे किरदार का नाम है श्रीकांत. श्रीकांत एक बड़ा सॉर्टेड शादीशुदा ओवरसीज़ में रहता है, तो किस चीज़ों की वजह से, कुछ वजह की वजह से इंडिया आता है. एंड किन चक्रों में फिर फंसता है और क्या होता है, फिर वो देखने लायक. जी वॉचों के बारे में आपने देखा, जैसे सिमरजोत ने बताया अंदर एक्सक्लूसिव है, इतना सारा कंटेंट, इतना सारा मटेरियल, इंटरनेशनल शोज, कोरियन शोज, डब्ड इन हिंदी, इन इंग्लिश, इतनी सारी मूवीज़ हैं उनके पास, प्लस जी के साथ से उनकी कोलैबोरेशन है. आपको बहुत सारे शोज़ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकते हैं. एंड उनका जो नेटवर्क, उनका जो कवरेज ऑल ओवर इंडिया इज़ इमेंस, इट्स स्टिल ग्रोइंग एज वी स्पीक. तो आई डोंट सी अ रीज़न व्हाई पीपल शुड नॉट वॉच वॉचो एक्सक्लूसिव. आज भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि प्लीज़ अपना ऐप डाउनलोड कीजिए एंड स्टार्ट वॉचिंग ऐप. आप अगर मुझे पूछें तो मैं हर तरीके के शोज़ देखता हूँ, हर तरह की फिल्में देखता हूँ, इंटरनेशनल हो, इंडियन हो, कोई भी लैंग्वेजेस हो, मैं सारी देखता हूँ. तो अगर मुझे, अगर मैं इस सीरीज़ का पार्ट नहीं होता, बट इट वुड हैव क्रिएटेड इंटरेस्ट, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा इस शो को, क्योंकि ट्रेलर बहुत अच्छा है. और अगेन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसका पार्ट हूँ, बट अदरवाइज इट्स एन इंटरेस्टिंग शो. थैंक यू. उम्मीद तो बहुत है और मुझे यकीन है कि ये शो ज़रूर चलेगा और बहुत बड़ा हिट होगा, लोगों को पसंद आएगा, लोग देखेंगे, इसे सराहेंगे. और सब मेरे सारे जो एक्टर्स हैं, मेरे सारे क्रू मेम, कास्ट मेंबर्स, सबकी प्रशंसा होगी. प्लेटफॉर्म की बात करें वॉचों के बारे में, जी लॉकडाउन के बाद तकरीबन 1000 से 1200 के आसपास हैं, तो वॉचों की बात करें क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी ये जवाब दिया था कि हाँ, वॉचो हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, वॉचो इज ऑल्सो देयर. एंड बट इनका जो कॉन्टेंट है, इनका जो कवरेज एंड जो भी वो अवेल कर रहे हैं, ठीक है. सो हाँ, जो इनकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स इनकी जो शो में है, वेदर इज इंटरनेशनल और नेशनल, प्लस जैसे उनके पास लाइव टीवी, थिएटर एंड स्टफ ऑल्सो, वो भी है दिखाने के लिए. वॉचो इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म ऐप टू हैव, जिन पे हमारे सारे जो सिटीजन्स हैं, देशवासी बहुत कुछ देख सकते हैं. थैंक यू. सबसे पहले थैंक यू एवरी वन फॉर कमिंग हियर एंड बींग अ पार्ट ऑफ आर स्पेशल डे. सो मेरे कैरेक्टर का नाम स्मिता शर्मा है, जो कि लाइक इट्स अ वेरी थ्रिलिंग रोल फॉर मी एंड चैलेंजिंग ऑल्सो, बिकॉज आई हैव प्लेड समथिंग विच आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर. लाइक आई एम प्लेइंग 8 months प्रेगनेंट लेडी, सो ऑफकोर्स इट्स अ ग्रेट फीलिंग फॉर बींग अ मदर. बट
how life takes turn for her. Like, she was happily ever after, like, married, and everything was so good to her, and then life take turns, and how ups and downs she's going to see in the series, that you'll gonna love, and I think everyone will feel emotional about that. And about talking about Aram, so it has all the drama, thrill, and everybody can watch it. It has action, and yeah, of course, you're gonna love it. कैसा experience रहा? लंबी थोड़ी team है, Star Cast की बात करें। कैसा experience रहा? Experience काफी अच्छा रहा, because जो Star Cast है, they're very good. Like, बहुत frank थे, सब लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया साथ में, and thanks to director sir, and he was also like so good on set, like we were so comfortable. तो मेरे लिए ना वो pregnant lady का role play करना थोड़ा difficult हो रहा था, because I was scared कि मैं कैसे वो role को प्ले कर पाऊंगी, बिकॉज मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. तो इट वॉज गुड फॉर मी टू प्ले दैट, एंड थैंक्स टू शौरी फॉर गिविंग मी दैट रोल. एंड आई वुड से वी विल डेफिनेटली हैव टू वॉच दिस शो. थैंक यू सिमर मैम फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड. वेल, मेरा नाम है मानवी चूर, एंड इन द सीरीज आई एम प्लेइंग एज चांदनी. And she is the girlfriend of Manu. It's a very deep character, very nice. She's very caring and, you know, very sweet. And at the same time, she's always there for her guy. So yeah, that is all about it. मुझे सच में बहुत मज़ा आया, बिकॉज इट वॉज सो गुड फिल्मिंग विद दीज पीपल. द टीम इज सो ग्रेट, अमेजिंग टीम, एंड बहुत ही मज़ा आया आई वुड से. और हार्ड, इट वॉज रियली वेरी हार्ड, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हमने गर्मी में भी शूट किया, एक्शन सीन्स थे काफ़ी. सो बट एट द सेम टाइम बिकॉज द टीम इज़ ग्रेट, सो इट वॉज ब्यूटिफुल. आई वुड लाइक टू से आई एम वेरी थैंकफुल टू वॉच योर ऐप कि उन्होंने मेरे को ये चांस दिया, एंड इट्स ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ लाइक दिस एंटायर फैमिली, वॉच योर फैमिली. इट्स अ ग्रेट ऐप बाय द वे. या थैंक यू. मेरा नाम पदम भोला है, और मैं इसमें जहीर प्ले कर रहा हूँ आरम में, और मैं आई एम प्लेइंग ए नेगेटिव कैरेक्टर इसमें. तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग नेगेटिव, तो अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा. किस तरह का शो है? आई थिंक सबने बोला ही है, आपको बताया कि एक थ्रिलर है, और ड्रामा है इसमें, थ्रिल है, सस्पेंस है, और ट्विस्टेड कहानी है, बहुत ही ट्विस्टेड. तो आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको अच्छा लगेगा. इट्स अ गुड शो. सब टेंशन में है, कोई एक भी अच्छा चेहरा नहीं है. सब टेंशन में है पीछे. अच्छा हाँ, ये बात तो है. सस्पेंस है वो, ये भी सस्पेंस है कि वो स्माइल क्यों नहीं कर रहा है. ये भी आरंभ है सीरियस रहने का. टाइटल के बारे में क्या कहेंगे? टाइटल के बारे में आरंभ एक्चुअली नाम काफ़ी पावरफुल है, तो हाँ, बोलने में भी अच्छा लगता है. तो इतना ही है टाइटल में, और क्या. थैंक यू. पहचाना नहीं. मेरा नाम करण ठाकुर है, और आरंभ में मेरा नाम है सुनील ठाकुर. एज यू कैन सी, एक ही इंसान है वर्दी में, जो कि मैं हूँ. किस तरह का किरदार है, कोप की बात करें, सब सस्पेंस थ्रिलर है, सबके चेहरे उतरे हुए हैं पीछे. आई नो क्योंकि आरंभ है, आरंभ अक्सर थोड़ा सा पेचीदा होता है, तो इसलिए सबके चेहरे उतरे हुए हैं. बट इवेंचुअली जब ये शो की आप एंडिंग देखेंगे तो सब मुस्कुरा रहे होंगे उस वक्त. और एक कॉप के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस तरह से केस सॉल्व करना है, किस तरह से जितने भी सबूत हैं उनको इकट्ठे करना है, और जितने भी यू नो क्लूज हैं उनको इकट्ठा करना है. तो बस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं हूँ यहाँ पे, एंड आई विश जो मैं केस को सॉल्व करूँगा वो अच्छे से सॉल्व हो जाए. काफ़ी उम्मीदें हैं. वॉचो एक अपकमिंग और ग्रोइंग ऐप प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि बहुत सारे अच्छा कंटेंट है, बहुत सारे एंटरटेनमेंट की बहुत सारे साधन हैं, ना नेगेटिव, पॉजिटिव, कॉमेडी, के ड्रामा, सब कुछ है यहाँ पे. सो वॉचो में आना, वॉचो ऐप में आना, और आरंभ के साथ आना, काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं. आई विश की डायरेक्टर को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, शौर्य हैज़ बीन अ वेरी गुड फ्रेंड. हम लोगों ने पहले भी काफ़ी प्रोजेक्ट साथ में किए हैं, और
और सेट पे तो बहुत मज़ा आया बिकॉज जब एक फ्रेंडली एटमोसफेयर में आप काम करते हो तो काम काम नहीं लगता, काम मज़ा लगता है. कुछ कुछ चीज़ें थी जो थोड़ी सी स्ट्रेसफुल थी बिकॉज ऑफ द स्केड्यूल और बिकॉज ऑफ द सीन्स, बिकॉज ऑफ द टेंशन, लेकिन वो होते 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 जब उनको हम लुक बैक करते हैं तो बहुत एक बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था. ये एक वेब सीरीज़ है जहाँ पे आपको हर एक एपिसोड में कुछ नया फ्लेवर दिखता है, कुछ नया पता चलता है और जिस तरह से स्टोरी अनफोल्ड होती है हर एक एपिसोड में आपको और ज़्यादा सस्पेंस बिल्टअप होता हुआ नज़र आता है. सर आपने यार कॉप का एक्सपीरियंस हमेशा मज़ेदार होता है क्योंकि आप चेस करते हो, आप क्राइम सॉल्व करते हो, आपके हाथ में गन होती है, आपने यूनिफॉर्म पहनी होती है और यूनिफॉर्म का ना एक अपना मज़ा है यार, एक अपना, चाहे वो सोल्जर की यूनिफॉर्म हो चाहे वो इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म से आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग चार्म आ जाता है. एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे एक कॉप की भूमिका अदा करने को मिली. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू. नाम रवि वर्मानी है एंड मैं बेसिकली पंजाब लुधियाना से हूँ और यहाँ पे मेरी वेब सीरीज़ में जो आरंभ वेब सीरीज़ है उसमें मेरा रघु का करेक्टर है, ये सपोर्टिंग नेगेटिव लीड करेक्टर है और जो कि मनीष सर के यानी तिवारी सर के साथ मैं सपोर्टिंग में हूँ और जो यहाँ पे एक स्वाति का करेक्टर है उसका भाई का करेक्टर मैं निभा रहा हूँ. और मुंबई में यही सोच के आया था, एक साल हुआ है मुझे यहाँ आए कि मैं लुधियाना से हूँ तो धर्मिंदर सर की मुझे याद सोचता था कि धर्मिंदर सर भी लुधियाना से आए थे और मुंबई में आके उन्होंने इतना नाम कमाया. तो जब मैं बॉबी देओल सर से मिला तो मैंने भी उनसे यही कहा कि मैंने कहा कि मैं जर्नी अपनी स्टार्ट करने वाला हूँ और शुरुआत कहाँ से करूँ, तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि मेहनत करता रहे शुरुआत अपने आप हो जाएगी. तो मेरी पहली वेब सीरीज़ है आरंभ और वेब सीरीज़ का नाम भी आरंभ है और मेरी शुरुआत भी आरंभ से ही हुई है. सो होप सो श्री कृष्ण भगवान मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे और अच्छा ही करेंगे. एंड मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ बोली है और एक ही चीज़ मेरे एथिक्स है कि बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियाँ बजती रहें. सो होप सो तालियाँ बजती रहेंगी एंड थैंक यू सो मच. और ये वेब सीरीज़ ने मुझे बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ आगे भी देगा एंड थैंक यू सो मच आप सबका. मेरी ये पहली बार मैं मीडिया को ऐसे अपनी स्पीच दे रहा हूँ, अपनी बातचीत कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक पंजाब का सिंपल सा पंजाबी मुंडा हूँ. सो मैनू ज़्यादा गल्लां तो नहीं आउंदियां बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जितना भी मेरे कृष्ण ने दिया है सब कृष्ण ने दिया है कि मेरी कोई औकात नहीं है. और मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ हमेशा कि कृष्ण भगवान को मैं बहुत मानता हूँ और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे जो भी कुछ मिला है मेरे श्री कृष्ण ने दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया. थैंक यू. बहुत लोगों ने कहा वैसे ही मैं भी कहूँगा कि बहुत अच्छा है और इट्स ऑल अबाउट सस्पेंस, मतलब जो बेसिक चीज़ है जो ऑडियंस को खींचेगी वो सस्पेंस है. एंड यू पीपल डिडंट आस्क माय नेम एंड कैरेक्टर, आई विल टेल, आई एम सार्थक एंड मैंने इसमें श्रीकांत के भाई का रोल प्ले किया है जिसका नाम मन्नू है, हु इज़ अ ड्रग एडिक्ट. हाँ, क्योंकि आई एम अ ड्रग एडिक्ट एंड मेरा भाई मुझे माल नहीं पीने दे रहा, दैट्स व्हाई आई एम वेरी अपसेट. एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच. हमने भी ट्रेलर देखा तो ये मेरी, जैसे हम लोगों ने तो अभी एक घंटे का प्रोग्राम या दो तीन घंटे का प्रोग्राम रखा है बट ये मेरी मेहनत कम से कम एक साल से चली आ रही थी इसको, इस शो को एक रूप देने की. एंड वॉचर ने हमको वो मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम इस शो को बना सके एंड इसको रिलीज़ कर सके और जनता तक ले जा सके. सो आई एम फीलिंग रियली हैप्पी, रियली ब्लेस्ड एंड विद अ ग्रेट स्टार कास्ट, विद अ ग्रेट चैनल टीम, इट्स रियली एन ऑनर टू बी हियर. थैंक यू. किस तरह का शो है ये? जैसा हमने ट्रेलर में भी देखा अभी कि इट्स अ थ्रिलर, इट्स अ क्राइम थ्रिलर, बट क्राइम थ्रिलर से ज़्यादा ये एक फैमिली की बॉन्डिंग का शो है कि आप अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं, कितना आगे तक जा सकते हैं, कौन सी लिमिट्स हैं जो आप पार कर सकते हैं. सो या फैमिली को जोड़ता हुआ एंड एवरी इमोशन, यू नो, लव, हेट, एक्शन, दुख, सुख, खुशी, सब है इस शो में. सो ये इस तरह का एक शो. कितने पार्ट में है ये?
ये अभी तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट है इसका ये, एंड जैसा रिस्पांस आता है एंड जैसा हमारा अभी एट द बैक एंड टीम राइटिंग टीम काम कर रही है, सो वी विल सी कि हम आगे कितने पार्ट इसके बना सकते हैं. और बिकॉज सी फैमिली बॉन्डिंग जो है एक अनएंडिंग चीज़ है. फैमिली में सुख दुख सिचुएशंस आपस में तकरार प्यार ये सब आता जाता रहता है, एंड एक्शन एंड थ्रिलर जो है जो सस्पेंस है वो हम क्रिएट कर सकते हैं और ज़्यादा. सो आई होप रियली होप कि आगे इसके और सीजन आए, एंड जैसे जैसे आएंगे हम और बताते जाएंगे इसके बारे में. लॉकडाउन के बाद 80% स्टोरी जो है क्राइम थ्रिलर का है, ऐसा क्यों? आई थिंक क्राइम थ्रिलर वर्क्स क्योंकि क्राइम और थ्रिलर एक ऐसा जॉनर है जो कभी फेल नहीं होता. हम पिछले 20-25 साल से देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे शोज हैं जो क्राइम थ्रिलर्स हैं, एंड उन सब का टीआर भी बहुत अच्छा है. इसके अलावा जो हमने ये भी देखे जो हम OTTs पे भी हम ट्रेंड देख रहे हैं, क्राइम शोज़ का एक अलग ऑडियंस है, वो हमेशा रहेगा. जिस तरह से नॉर्मल डेली सोप्स हैं उनका भी ऑडियंस हमेशा रहेगा. सो एक ऐसा जॉनर है कि इसका ऑडियंस हमेशा रहता है. इसको यंग लोग भी देखते हैं, कॉलेज के बच्चे भी देखते हैं, एडल्ट्स भी देखते हैं, ओल्ड एज वाले भी देखते हैं. वो बात और है कि वो देखने के बाद सब पे शक करने लगते हैं, बट ठीक है ये है. आपकी स्टोरी कहाँ की है? मेरी कहानी झारखंड बेस्ड है. सो झारखंड में एक हमने एक इमेजिनरी जगह बनाई है लाल नगर करके, तो उसकी कहानी है. एंड हम डेलिब्रेटली ये चाहते थे कि एक जो है एक रूरल बैकग्राउंड मिले हमारी कहानी को, एंड उसके लिए कोई स्मॉल टाउन या एक तो क्या है ना, ऑडियंस भी जो है वो ऐसा स्मॉल टाउन स्टोरीज बहुत देखना चाहती है. सो स्मॉल टाउन स्टोरीज और जो जिनसे आदमी रिलेट कर सके ऐसी जगहों की कहानी जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है. सो हमारी कहानी झारखंड बेस्ड है, उसमें एक स्मॉल टाउन है उसमें बेस्ड है. लिबर्टी ज़्यादा मिल जाता है टू प्ले विद एक्शन सीक्वेंसेस, टू प्ले विद लैंग्वेज. ऑल्दो इसमें ऐसी कोई लैंग्वेज है नहीं, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सिनेमा में नहीं दिखा सकते. सो आई थिंक, और फिर क्या है ना, जॉनर ऐसा है देन द काइंड ऑफ स्टोरी दिस इज उस पर भी मतलब कोई बंदिश ना हो, हमें थोड़ा और ओपननेस मिले, जिसमें वॉचर ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया. सो आई थिंक इसलिए हमने फिर इसको सीरीज बनाया. बट बिकॉज क्या है ना, एक कहानी होती है जो सिनेमा के लिए होती है 90 मिनट्स का स्टोरी, एंड जो हम जब कहानी का स्कोप और कैनवस बड़ा होता है तो उसको एपिसोड्स में तोड़ना ही पड़ता है अगर हमको वैसी की वैसी कहानी सुनानी है. तो अगर आप उसको छोटा कर देंगे तो उसका मज़ा चला जाएगा, तो वो 90 मिनट्स में नहीं की जा सकती. सही है, चलिए थैंक यू गाइज. हाय, आई एम एकता कुमारी एंड आई एम प्लेइंग स्वाति इन आरम. And I would really like to thank Shaurya for giving me this chance because I'd taken a break for good 8 years. So, uske baad agar chance milta hai, to it's like Aram. Aapke kirdaar ke baare mein kya? I'm playing a doctor and I play a very important role in Shrikant's life. But wo aap jab story dekhoge, to aapko dheere dheere pata chalega uska build up kya hai. Maatru ka hissa bane, us baare mein kya kehna chahenge aap? Really, I feel blessed, and मैं वैसे भी बहुत सारे कोरियन सीरीज़ देखती हूँ ये ऐप पे, बिकॉज ज़्यादा कोरियन सीरीज़ यही ऐप पे देखने को मिलती है. सो आई एम रियली हैप्पी आई एम पार्ट ऑफ दिस फैमिली. थैंक यू. नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष सिंह है और मैं मजिस्ट्रेट बख्शी का रोल कर रहा हूँ. और जहाँ तक वाचो की बात है, तो वाचो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के उभरा है जिसके पास हर तरीके के कंटेंट हैं और हर जॉनर के लोग, हर उम्र के लोगों के कंटेंट वाचो के पास अवेलेबल है, जैसा कि हमने देखा भी है. और कोरियन स्पेशली कोरियन फिल्मों को डब करके और कोरियन फिल्म इंग्लिश में भी है, तो ये जो भी सिनेमा बफ लोग हैं वो देखना चाहते हैं अलग तरीके की फिल्में, तो उनके लिए वाचो बिल्कुल एप्ट प्लेटफॉर्म है, तो ये कहना चाहूँगा. और मेरा कैरेक्टर जो है वो मजिस्ट्रेट बख्शी का है, जो कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो हीरो की लाइफ में काफ़ी बवाल लाता है. और ज़्यादा रिवील नहीं कर सकूँगा इसके बारे में, क्योंकि जब आप सीरीज़ देखेंगे तब आपको इस कैरेक्टर की जो लेयरिंग है आपको मालूम चलेगी, देखेगी भी. और ये सारा जो प्लान एंड प्लॉटिंग है वो किस तरीके से होता है इस सीरीज़ में. और सबसे खास बात ये कि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं शौर्य,
वो बहुत ही बाकमाल डायरेक्टर हैं। इनकी जो राइटिंग लेवल है, इनकी जिस तरीके से इन्होंने फिल्म को, इस सीरीज़ को लिखा है वो, और जिस तरीके से लेयरिंग की है इन्होंने परत दर परत, इन्हों एक सीन के बाद जो दूसरे सीन में जो जिस तरीके से मूव होता है आप देखोगे बहुत स्मूथ पानी की तरह होता है, तो ये बहुत शानदार तरीके से ये सीरीज़ है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस सीरीज़ का पार्ट बन सका, वाचो का पार्ट बन सका, और इतनी प्यारी टीम का के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। सो आई एम रियली थैंक्स टू यू मीडिया पीपल, आप लोग यहाँ पर आए, हमें कवर किया, और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा लिखेंगे और वाचो को अच्छे से प्रमोट करेंगे। थैंक यू सो मच। फॉल में भी सुना होगा और मैं वॉचो एक्सक्लूसिव्स हेड करती हूँ और कंटेंट बेसिकली मेरा फोटो, तो जो भी हम कंटेंट वॉचो एक्सक्लूसिव्स के लिए रखते हैं या फिर वॉचो एक्सक्लूसिव्स के लिए जो भी स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग करते हैं तो वो मेरे एक काम का हिस्सा। आरम एक ऐसा सीरीज है जो हर एज ग्रुप को बांध सकता है और उसके अंदर इमोशंस हैं। एक फेस, एक इंसान के कितने चेहरे हो सकते हैं ये दिखाता है, और किसी भी मोड़ पर किसी की भी जो ये कह सकते हैं कि किसी के लिए वो सिर्फ एक जरिया है कि हमने कुछ गलत करना है, लेकिन उससे दूसरे की ज़िंदगी कितना बदल सकती है, ये सब पार्ट उस आरंभ में। फैमिली एक ड्रामा है भाई, ये बताएंगे सीरीज के बारे में, किस तरह की सीरीज क्या है? वेल, मेरा नाम मुदस्सिर भट्ट है और मैं इसमें विवेक का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो कि कहते हैं ना ओ माई वाइफ से ही आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि वुमेन डोमिनेटिंग सीरीज है थोड़ी सी, बट ठीक है इतना भी नहीं है बट स्टिल। और बाकी आपको सब कुछ इसमें सस्पेंस मिलेगा, ड्रामा मिलेगा, थोड़ा थ्रिल भी मिलेगा। थ्रिल तो आप जब देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। ओ माई वाइफ, ओ माई वाइफ, ऑफकोर्स यार आजकल दौर किन का है, वुमेन्स का दौर है आजकल, तो इसीलिए हमने ये नाम सोचा है। वक्त होगी हो या नहीं वो तो पता चलेगा ना आपको, जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। आप भुक्त भोगी हो रियल लाइफ में बोल रहे हो, रियल लाइफ में भुक्त भोगी हो या नहीं? आप क्या कहेंगे सर, आप क्या कर रहे हैं आप? मेरा की सर, मेरा नाम है लोकेश भट्टा नाम है मेरा, और मैं इस सीरीज में माय वाइफ एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहा हूँ, जो कि जिसकी मेंटल एजिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड नेगोशिएशन स्किल्स इसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत सच्चा है अपनी जॉब को लेकर। एंड सिर्फ मेंटल एजिलिटी की बात करूँ तो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पुलिस ऑफिसर, एंड आई थिंक कुछ ट्रेट्स मेरे में भी हैं पुलिस ऑफिसर, क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, एंड ऐसे पुलिस ऑफिसर आई थिंक आज हमारी सोसाइटी को चाहिए, हु लव्स देयर जॉब एंड हु मेक्स अ गुड यू नो रैपो विद द पब्लिक। एक अच्छा ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है, थोड़ा सा कड़क भी है, एंड मेंटल एजिलिटी की बात करूं जैसे थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है, जैसे ट्वाइस आई पुल्ड अ गन टूवर्ड्स माय ऑफिसर एंड देन द मेंटल एजिलिटी सेज डू नॉट पुल द ट्रिगर, तो वैसा है, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, थोड़ा सा दिमाग से अक्खड़ है, थोड़ा सा गुस्से वाला है, बट हाँ हम दोनों की एक बहुत जुगलबंदी दिखेगी आपको, क्योंकि हमने इस पूरे केस पे काम किया है तो हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। तो ऐसा भी हुआ है कि जहाँ पे एक दो बार हमारी बिगड़ी भी है, और जैसे फ्रेंड्स में, जैसे फ्रेंड्स में दोस्तों में होता है, ऑफिस में हम एक ऑफिसर्स की तरह काम करते हैं, बट बैक होम हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हमारी कंपैटिबिलिटी आपको दिखेगी और अच्छी कहानी है। आप अभी तो पोस्टर ही आया, पिक्चर बाकी है, पुलिस में जाना चाहता था, देखो इसका कैरेक्टर ही मिल गया, तो मैं हाँ एग्जैक्टली, तो मैं जैसे ही मैं वर्दी पहनता था मेरे को ऐसे लगता था कि अगर हाँ अगर एक्टर नहीं बनता तो शायद पुलिस ऑफिसर बन जाता, क्योंकि फैमिली में भी यही लोग चाहते थे हमेशा से, उन्होंने बोला कि कद काठी अच्छी है लंबा चौड़ा है पुलिस में जा, और फिर मम्मी बोलती थी कि नहीं भैया आर्मी वर्मी में नहीं जाना, मर मर जाओगे तो ऑफिस में जाओगे, सबसे पहले आंटी को मैं दिखाऊंगा, आंटी देखो। तो अच्छा, इट्स गुड फन, मज़ा आया सर करके। फ्लोर पे किस प्लान सर? अभी इसके बाद एक और सीरीज है वॉचो पे, उसके बाद आई थिंक जो मेरी ऑफिशियल से बात हुई थी, तो अभी आई थिंक टाइम है, अभी तो ट्रेलर भी नहीं आया, अभी लाइनअप चल रहा है एडिटिंग वेडिटिंग, अभी तो अभी डबिंग भी नहीं करी, तो आज पोस्टर लॉन्च हुआ है, तो इंशाल्लाह जल्दी है, जैसे आएगा तो आप सबको सबसे पहले ही पता चल जाएगा। एब्सोल्युटली, आप लोग हमें आपसे पूछना चाहिए। अच्छा,
बात करें लाइफ से। हाय, मेरा नाम स्नेहा सिंह है। और इस सीरीज़ में मेरा नाम सुजाता है और मैं इसकी वाइफ प्ले कर रही हूँ, हाउस वाइफ। जैसे कि सीरीज़ में मैं घर में बहुत घरेलू सी दिखाई गई हूँ और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा एक बच्चा भी है उसमें, तो मैं अपनी पूरी फैमिली का बहुत ध्यान रखती हूँ और आपको उसके लिए पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी कि मेरे क्या कारनामे हैं उसके अंदर। बहुत ही मज़ा आएगा, आप एक बार देखेंगे तो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।